मैं डॉक्टर सुनीता दुबे रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मुंबई में कई सालों से रेडियोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा हॉस्पिटल है मुंबई में, अलाहाबाद में भी है और सुरियाव में भी, हम लोग हमारे उत्तर प्रदेश में भी हमारा हॉस्पिटल है। तो हम लोग हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं कई सालों से और हमारा ऑर्गेनाइजेशन है मेडस्केप इंडिया, आर्यन मेडिकल एजुकेशनल ट्रस्ट, जो विगत 14 सालों से काम कर रहा है, हेल्थ केयर में काम कर रहा है, गर्ल चाइल्ड में काम कर रहा है। सेव द गर्ल चाइल्ड के साथ साथ हमारे वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम हो रहे हैं। हमारे कई सारे कैंपेन इंडिया, अक्रॉस इंडिया हमारे चल रहे हैं, जिसके अंदर कई सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं और लाइक माइंडेड लोग इन्वॉल्व हैं। जहाँ पे हम लोगों को, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, उस लेवल पे हम लोग जाके लोगों को मेडिकल रिलेटेड हेल्प कर रहे हैं। हमने अक्सर देखा है कि जहाँ भी सपोर्ट की बात आती है उसमें सुनीता दुबे का नाम सबसे पहले होता है, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे वो फिट इंडिया के लिए हो। तो किस तरह से आप इतना एक्टिव रहती है, इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी? ये शुरुआत से ही, जब मेडिकल स्टूडेंट थे, जब भी आई वॉज़ डूइंग माई रेडियोलॉजी MD इन सोमया मेडिकल कॉलेज, उसी टाइम हम मैंने अपना पहला हॉस्पिटल स्टार्ट किया था कुर्ला ईस्ट में 2003 में। जब वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो वहाँ के लोगों के साथ जो प्रॉब्लम था कि कोई भी छोटा सा ज़रूरत रहता था मेडिकल का, तो उन्हें दूर जाना पड़ रहा था। लाइक उनको जाना पड़ता था घाटकोपर में, जाना पड़ता था चेंबूर में, जाना पड़ता था और कहीं दूर जाना पड़ता था। तो पहला, जब पढ़ाई कर रहे थे तभी हमने पहला डायग्नोस्टिक सेंटर वहाँ शुरू किया, तो लोगों को वहाँ से मेडिकल फैसिलिटी देनी शुरू कर दी और उसके बाद हॉस्पिटल भी बनाया। तो वहाँ पे जो लोगों की जो ज़रूरत है बींग, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं ह्यूमैनिटी पे काम करते हैं और ह्यूमैनिटी एक ऐसी है कि हम लोग इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं लोगों से और उनकी ज़रूरतें महसूस करते हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुआ मेरी जर्नी का, आर्यन हॉस्पिटल का, जो अभी काफ़ी लोगों को सुविधा दे रहा है, कई लाखों लोगों को वो मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है। सो इसके बाद धीरे धीरे हम लोग फिलान्थ्रोपिक और मूव होने लगे, लोगों के इम्पैक्ट लाइफ में आने लगे, बहुत सारे रेयर केसेस हमारे हॉस्पिटल में हमारे एडजॉइनिंग एरिया के आने लगे। तो जो डॉक्टर्स जो आर्यन हॉस्पिटल में जुड़े हुए हैं कई साल से, वो सिर्फ डॉक्टर के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लोग पेशेंट जब आते हैं उनको अप्रोच करने के लिए, तो उनकी जो भावना है पेशेंट के लिए एक मदद के तौर पे ही रहती है। और इस तरह से हम लोग का जो हॉस्पिटल का काम है, हमारे हॉस्पिटल में हर सैटरडे को फ्री OPDs होती है, हर 15 दिन पे मेडिकल कैंप्स होते हैं, कई सारे वर्कशॉप्स होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे हेल्थ पे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, लोगों को रिमोट एरिया में, उस एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं आसपास, वहाँ पे लोगों को एजुकेट करना हेल्थ के बारे में, जो कॉमन डिसीज़ है। लाइक अभी मलेरिया है बारिश के टाइम पे, तो मलेरिया पे काम करते हैं, डेंगू है डेंगू के लिए एजुकेट करते हैं। तो ये इस तरह का एजुकेशन हमारे एरिया के साथ साथ एडजॉइनिंग एरिया में भी हम लोग हॉस्पिटल के द्वारा करते हैं। और इसके बाद 2006 में हमने आर्यन मेडिकल एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसका नाम है मेडस्केप इंडिया के नाम से काफ़ी जाना जाता है, और उसमें कई सारे कैंप हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, सर्जरी के हेल्प हैं, और लोगों को हमारी एक अनोखी पहल, एक कैंपेन है जो देश भर में सराहा गया, जहाँ पे एक एरिया है ठक्कर बप्पा मुंबई में, एक रिमोट है, एक ठक्कर बप्पा एशिया का सबसे बड़ा चप्पल हब माना जाता है। तो 2014 में हम लोगों ने वहाँ से हमारे पास बहुत TB के पेशेंट आ रहे थे, एक्चुअली किस एरिया से आ रहे थे पहले पता नहीं था। तो हमने अपने डॉक्टरों के साथ मिल के वहाँ पर सर्वे किया, तो हमें पता चला कि जो ठक्कर बप्पा है वहाँ पे TB का पेशेंट, वहाँ पे गटर्स बहुत ओपन थे, छोटे छोटे घरों में चप्पल मेकर्स रहते थे। तो उस दौरान पता चला कि यहाँ पे TB ज़्यादा है। तो हमें वहाँ पे हमने जितने भी स्कूल थे उसको इन्वॉल्व किया अपने कैंपेन में, टीचर्स इन्वॉल्व हुई, वहाँ के लोकल जो डॉक्टर, जो 30 डॉक्टर वहाँ पर वॉलेंटियर एक्टिवली इन्वॉल्व हुए, और वो सारे लोग मेडिकल स्क्रीनिंग के साथ मेडिसिन के लिए, इनफैक्ट आज के स्टेट में ऐसा है कि वो एरिया पूरी तरह से बेटर हो चुका है। लोकल कॉरपोरेटर लोगों ने भी उसमें अपने खुद के उसे उन्होंने उसको डेवलप किया, और वहाँ पे रेगुलरली मेडिकल ट्रीटमेंट से TB से लेके हर चीज़ की हेल्प होती है, और बहुत सारे एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन भी उस जगह पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे डॉक्टरों का बहुत बड़ा अचीवमेंट है अनोखी पहल के द्वारा। इसमें अनोखी पहल इसलिए रखा गया कि ये पहल डॉक्टरों ने की थी। इनफैक्ट हमारी एक रैली थी जिसके अंदर हमारे
मेयर मैडम बोली थी मैं 10 मिनट के लिए आऊँगी, और उन्होंने 1.5-2 घंटे तक उसी एरिया में वॉक किया हमारे साथ और 1,000 स्कूल के बच्चों के साथ और 60-70 डॉक्टरों के साथ, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि गंदगी से होने वाली बीमारी और जो जो एजुकेशन, क्योंकि मोस्टली वो मारवाड़ी थे जो थोड़े अपने घर से दूर आए हों, तो उनको कमाने के सिवाय दूसरी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं थी। तो हम लोग जो मेडिकल बीमारियां निकलती थी, आसपास के बहुत सारे मेडिकल कॉलेज भी इन्वॉल्व हुए, तो वो लोग अगर इन केस किसी की बड़ी बीमारी जो हमारे लेवल पे नहीं है, तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी उससे हम कनेक्ट करते थे, राजीव गांधी योजना है या फिर जो भी एक्सटर्नल अवेलेबल और इंटरनल अवेलेबल फैसिलिटीज़ थी उसके द्वारा हम उनकी मदद करते थे। तो ये अभी तक चल रहा है और ऑल द मोस्ट क्वाइट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा एक रिप्लिका है, पायलट प्रोजेक्ट। और अभी आने वाले समय में 2-3 और हमारे पास जगह आए हैं जो महाराष्ट्र के हैं, जिसमें ये अनोखी पहल वापस से शुरू होगा। और चाहते हैं कि इसका मिशन ये है कि मुंबई जैसी बड़ी शहरों में ज़रूरी नहीं कि लोग सब अच्छा सब चल रहा है और लोग स्वस्थ हैं, ऐसे बहुत मॉडर्नाइज और फाइनेंशियल कैपिटल होने के बाद भी मुंबई जैसे शहरों के लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल की नॉलेज नहीं है। तो वो एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पहल है कि हम लोगों को उन तक पहुंच कर हम लोग मदद कर सकें। अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो शहरों में तो फिर भी इजी होता है मेडिकल, लेकिन जो रूरल एरिया होता है, जो आदिवासी एरिया होता है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी आज भी नहीं अवेलेबल है, इवन गवर्नमेंट भी वहाँ नहीं पहुँच पाती है। तो आप ऐसे सेक्टर्स के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हमारी एक कैंपेन है, फिट इंडिया कैंपेन, जो विगत 4 सालों से चल रहा है। और इस कैंपेन के द्वारा इसमें हमारे 5 पिलर्स हैं। पहला है कि इसमें प्लेज लेना है आपको, आई विल बी फिट एंड हेल्दी एंड सेव अ लाइफ। इसके अंदर हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आपको अपना स्वास्थ्य खुद देखना है और अपने लिए खुद ही एक्टिव होना है। तो ये मिशन है। इसके बाद दूसरा है हमारा स्क्रीन इंडिया, जिसके अंदर हम लोगों की बीमारियों को स्क्रीन करते हैं। लेसी अगर नॉर्मल भी आदमी अगर आज स्क्रीन करेगा तो उसे पता चलेगा उसकी बीमारी कौन सी है। तो अगर बीमारी पता चलती है तो हम उसके ट्रीट करने के लिए या उसको अर्ली डिटेक्ट करके कोई चीज़ बीमारी की पता लगा के उसे ठीक करने में हमें मदद मिलती है। सो ट्रीट इंडिया हमारा दूसरा थर्ड सेगमेंट है इस प्रोग्राम का। सो उसके अंदर हम जो भी मेडिकल स्क्रीनिंग करते हैं और जो भी मेडिकल हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके दौरान कोई भी मेडिकल बीमारी पता चलती है, लेसी या कैंसर या फिर टीबी या कोई भी बीमारी पता चलती है, तो हम जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमारे वॉलंटियर डॉक्टर्स हैं, वो मदद करते हैं इसको बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो और हमारा प्रिवेंट है, जिसके अंदर हम लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में जैसे कि 33 सेकेंड में हमारे भारत में एक पेशेंट हार्ट अटैक से डेथ होता है, और अगर हम चाहते हैं अगर CPR सीखते हैं, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर हम सीखते हैं, एक तरह का ये हार्ट अटैक आता है और उसको पहले फर्स्ट एड में हम CPR देते हैं, तो ये हम 60% जान बचा सकते हैं पेशेंट का। और जो डेथ होता है इंडिया में 60% जो 95% जो डेथ है हार्ट अटैक से वो हॉस्पिटल के बाहर होता है। एंड अगर हम लोग उसको CPR ट्रेनिंग करके उसे हेल्प करते हैं तो ये 60% ये जान बचाई जा सकती है। सो हमारा मिशन ये है कि ये जो ट्रेन इंडिया मूवमेंट है जिसमें अक्रॉस कंट्री 26,000 लोगों का CPR ट्रेनिंग हमारे द्वारा हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो चुका है। और ये मेथड हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, ट्रेन द ट्रेनर, लेट्स सी कि आप 15 मिनट में CPR सीख सकते हो और 15 मिनट के सीखने के बाद आप लोगों को सिखा सकते हो। सो ट्रेन द ट्रेनर मेथड से हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके थ्रू कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे ट्रेनिंग के बाद वो जाके आगे ट्रेन करते हैं, और वी गिव देम सर्टिफिकेट आल्सो ऑफ टीचिंग, बिकॉज WHO और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो पद्धति है वो पर्टिकुलर पद्धति को हम लोग इस CPR ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि ये बहुत बड़ा मूवमेंट है हमारे, और प्रिवेंट इंडिया में दिस CPR ट्रेनिंग इज़ कमिंग अंडर द ट्रेन इंडिया, हमारा फोर्थ कैंपेन है, और प्रिवेंट इंडिया जिसके अंदर हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहना, जैसे एक्सरसाइज हुआ, योगा हुआ, और हमारे जितनी भी पुराने ज़माने के जो आयुर्वेदिक और प्रिवेंटिव तरीके थे वो सबको हम लोग डालते हैं और सिखाते हैं और मदद करते हैं, ताकि लोग लेसी के अगर आज हम 30 मिनट डेली हम वॉक करते हैं तो 10% ओबेसिटी कम हो जाती है,
आपकी डायबिटीज़ कम हो जाती है, आपका हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर रिलेटेड हो, तो एक बेसिक जो हमारा प्रिवेंट इंडिया है तो एक्सरसाइज की तरफ बेसिक छोटी छोटी चीज़ों से हम खुद अपने आप को इनेबल करें ताकि हम बड़ी बीमारी से बच सकें। तो प्रिवेंट इंडिया में इस तरह का हमारा प्रोग्राम चल रहा है। रिसेंटली आप वियतनाम गए थे मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ में, वो कैसा आपका टूर रहा और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी? भाव ये बहुत ही ये IMC के द्वारा हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री राम कोविंद नाथ जी के साथ हम लोग गए थे, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था जहाँ पे मैंने इंडिया के हेल्थ केयर को रिप्रेजेंट किया था वहाँ के प्लेटफॉर्म पे। तो हमारे देश में जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो हम क्या कर सकते हैं बिजनेस में, वो सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन हुई। जैसे मेडिकल टूरिज्म जो इंडिया का एक बहुत बड़ा स्कोप है, उस पर बात हुआ कि लोग जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, जैसे श्रीलंका है या फिर दुबई है या फिर वियतनाम खुद भी है, तो बहुत सारे ऐसे कंट्री जो हमारे देश से बांग्लादेश है, हमारे जितने भी आसपास के जितने कंट्रीज़ हैं, वो अपने पेशेंट जिनकी, क्योंकि इंडिया में आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो रही है, और यहाँ के डॉक्टरों की बहुत रिस्पेक्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड। क्योंकि जहाँ पे आप चाहे लंदन जाएँ या फिर अमेरिका में जाएँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड डॉक्टर आर फ्रॉम इंडिया। तो ये मेडिकल फैसिलिटी के लोग आते हैं, उसके लिए बात हुई। दूसरी कि हमारे देश में जो जेनरिक मेडिसिन है हर देश से काफ़ी सस्ती है। तो जैसे UK है, हमारे कम से कम अमेरिका में 50% जो जेनरिक मेडिसिन सप्लाई होता है वो इंडिया से होता है, और वैक्सीन जो 50% जो यहाँ से जाता है वो इंडिया से, UK में भी 25% है। इस तरह से कई देशों में हमारी मेडिसिन जाती है, हमारे कैंसर मेडिसिन की भी बहुत रिस्पेक्ट है और लोग उसको बहुत वैल्यू करते हैं हर देश में, तो वो भी एक बात हुई। दूसरा, हमारा होम केयर जो इंडिया में एक नई ट्रेंड आई है, जैसे कि हम टेक्नोलॉजी के द्वारा और फैसिलिटी के द्वारा होम केयर कर सकते हैं और कॉस्ट भी बचा सकते हैं, इमरजेंसी भी कुछ चीज़ें अगर हमें पता लगानी है टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग की बहुत सारी IT और बिजनेस इन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में और क्या क्या पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, क्योंकि अभी करंटली जो हमारी करंटली जो गवर्नमेंट है वो बाहर के लोगों को या यहाँ के लोगों को जो बिज़नेस का जो ईज़ दे रही है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे FDA हुआ, इंटरनेशनल जो लोगों की वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ है, तो बहुत सारी जो न्यू पॉलिसीज़ आई हैं वो बिज़नेस करने के लिए इंडिया के लिए बहुत फेवरेबल है। प्लस हमारे जो इंडियन कुछ बाहर एक्सपोर्ट का भी करना चाहते हैं तो भी काफ़ी इजी है, तो दे आर क्वाइट फ्रेंडली मैनर इंटरनेशनली बिजनेस इज़ मूविंग इन इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा पहल था और गौरव की बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ थे, हमारी कोर कमेटी के साथ, और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत अप्रिसिएशन मिला इस प्रोग्राम में और वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। रिसेंटली हम लोग का इंडियन आर्मी और एथलीट फेडरेशन एंड टेरिटोरियल आर्मी के साथ हमारा नेशनल मैराथन उनका था, जिसमें हम लोग उनके सोशल कॉज पार्टनर थे 2 अक्टूबर को। और इसके पहले IHFA एक इंटरनेशनल हेल्थ फेस्टिवल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमारा फिट इंडिया सोशल कॉज पार्टनर था। रिसेंटली हमारी फिर टाटा मैराथन के साथ भी थी, और इसके पहले भी हमारा फिट इंडिया रन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना था। तो अभी शायद वर्ल्ड हेल्थ डे पे एक्सपेक्टेड है और मे बी आने वाले समय में फिट इंडिया रन आएगा, जो डॉक्टरों के द्वारा इनिशिएटिव है, जिसमें डॉक्टर ऑल ओवर लोगों को एक फिटनेस की और हेल्थ में प्रिवेंटिव की और बीमारियों से बचने की वेरियस एक मिशन के साथ आ रहे हैं, जो लोगों को गाइड करेगा कि बिकॉज रनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट और बहुत ईजी है, जो सब कर सकते हैं। तो उस पर हमारा ये प्रोग्राम आने वाला है बहुत जल्दी, और फिर हम आपको अपडेट करेंगे। और मैम कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हमारा एक अवार्ड मेडस्केप नेशनल अवार्ड के बारे में, 2011 में पहले क्या हुआ था कि पहले इंडिया में डॉक्टरों के कंट्रीब्यूशन को कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हमने एक पहला सर्वे किया था 2011 में, जो कई सारे स्टेट के कई सारे डॉक्टरों ने सर्वे में अपने इंटरप्रिटेशन रखा था, और हमने 2 बड़े बड़े मेजर सर्वे हमारे मेडस्केप इंडिया ने किया था। उसमें एक था पेशेंट क्या फील करते हैं हमारे डॉक्टर के लिए, और डॉक्टरों का भी जो किया था उसमें डॉक्टरों की क्या स्थिति हमारे देश में और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनकी क्या सॉल्यूशन है। तो सर्वे में ये पता चला था कि डॉक्टरों के लिए कोई ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं थी जहाँ पे उनके काम को रिस्पेक्ट किया जाए और कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया जाए। तो 2012 में हमने मेडस्केप इंडिया नेशनल अवार्ड शुरू किया, जिसके अंदर 21 मेडिकल स्पेशलिटी और मेडिकल बॉडी के नेशनल प्रेसिडेंट जूरी बने,
और वहाँ से एक शुरुआत हुआ। पूरे प्रोग्राम में जो नॉमिनेशन हमारे पास, आई थिंक आई रिमेम्बर अराउंड 2 लाख का नॉमिनेशन आया था उस साल भी, पहले साल में ही। और उस पूरे अवार्ड को हमने सेव द गर्ल चाइल्ड पे डेडिकेट किया था। तो 2012 से लेके आज ये टेलीवाइज प्रोग्राम है। पिछली बार सोनी पे आया था, इसके पहले लाइफ ओके पे आया था, इसके पहले CNBC पे आया था। अभी इस साल 2019 में ये 8वां साल है और ये अक्टूबर में मोस्टली टेंटेटिवली अक्टूबर में डेट में आने आता है ये हर साल। और पूरा ये अवार्ड जितने भी लोग देश में काम कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं और उनकी पहुंच मतलब उनकी पहुंच मतलब उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, उनको एक जूरी के प्रोसेस के माध्यम से, कई सारी रिसर्च होते हैं इसके, ऑलरेडी प्रोसेसिंग पार्टनर होता है, ये बड़ी प्रोसेस 6-7 महीने की चलती है और उसमें 21 कैटेगरी अवार्ड निकलते हैं। और ये हेल्थ और फिटनेस और डिसीज़ और वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड, ऐसे कॉज को लेकर ये पूरा अवार्ड समर्पित है। और ये इस बार 8वां साल है और बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत सारे नॉमिनेशन ऑलरेडी, 2000 नॉमिनेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। अब देखते हैं आगे कैसा होता है। आपके बाकी क्या प्रोग्राम, बाकी प्रोग्राम्स मतलब जो चल रहे हैं ऑलरेडी? हाँ, सो हमारे मेड्स केप इंडिया के इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चलने वाले प्रोग्राम है, जो सेव द गर्ल चाइल्ड है, जिसके अंदर हम डॉक्टरों को इन्वॉल्व किए हैं, लाइक गायनेकोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट एंड फैमिली फिजिशियन, क्योंकि इनके पास पेशेंट आता है पुत्र की चाह से। तो यहाँ से हमारे डॉक्टर उनकी माइंडसेट को चेंज करना, और जितने भी देश में और गवर्नमेंट में जो फैसिलिटीज़ है और उनके लिए, लड़कियों के लिए जो बेनिफिट है उसके लिए एजुकेट करना, ये इस तरह से वो लोग रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। दूसरी हमारी है मिलियन स्माइल, जो मिलियन स्माइल प्रोग्राम है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट में प्रोग्राम हो रहा है, जिसके अंदर जो कैंसर सर्वाइवल है, महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट है, उनके लिए जॉब क्रिएशन करना है, इस तरह की वुमेन मिलियन स्माइल में हमारे काम हो रहा है। सो HIV के एड्स के ऊपर भी हमारा हर साल काम होता है। वर्ल्ड एड्स डे पे हमारा ये इस साल 8वां साल कंप्लीट हुआ है। और हर साल एक नए सब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे एक बार ट्रांसजेंडर को लिए, जैसे छक्कों को लिया, सॉरी ट्रांसजेंडर को लिया, जिसके अंदर उन्होंने HIV की स्क्रीनिंग की। दूसरी हमने सेक्स वर्कर पे काम किया, जिसके ऊपर ट्रक ड्राइवर के ऊपर काम किया। तो लास्ट 2-3 साल से हम लोग ट्रक ड्राइवर, जहाँ पे HIV फैलने की ज़्यादा चांसेस रहती है क्योंकि वो अपने फैमिली से दूर रहते हैं, हम लोग फ्री HIV का किट चेक करने के लिए, प्लस कॉन्डोम भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये काफ़ी एजुकेटिव है। जैसे मदर अगर पॉजिटिव है HIV, तो बच्चा पॉजिटिव कैसे नहीं हो। तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के ऊपर भी बहुत सारा हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम, पैनल डिस्कशन, फैशन शो भी, बहुत तरीके से, बहुत माध्यम से, स्किट से, वर्कशॉप से एजुकेट करने के लिए प्रयास किया हमने। हम पेशेंट बन के गूगल में जाते हैं और बीमारियों के जो भी सिम्टम्स होता है उसके अकॉर्डिंगली बीमारियों के बारे में पता लगाते हैं और मेडिसिन लेते हैं। तो कभी कभी यही मेडिसिन बहुत घातक हो सकती है, क्योंकि हर एक चीज़ का, जैसे डॉक्टर देता है तो आपकी एज देखता है, वेट देखता है, हाइट देखता है, और उसके कोर्सेज होती है। लेकिन एंटीबायोटिक की होती है 3 3 दिन और 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन, इस तरह की कोर्स होती है जिसको करने के बाद ये प्रिस्क्राइब होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप काउंटर पे जो मेडिसिन लेते हो उसको अवॉइड करिए। दूसरा, खुद का सेल्फ अवेयरनेस आप खुद करिए, क्योंकि हम जब अपने आप को टाइम देते, जो इनर हेल्थ है आपको रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी तबीयत ठीक है नहीं है, तो उसको आप यू नो अवॉइड मत करिए। कोई भी साइन फील हो रहा है, चाहे आपको शर्माइए नहीं, कोई बीमारी है, आपके पास आज के दिन इतनी फैसिलिटीज़ है कि हम टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हम अपना खुद किसी भी तरीके से हम अपनी मेडिकल की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये करना, और प्रिवेंटिव में हर एक इंसान को आज के स्टेटस में अपने आप को खुद ही हेल्दी, खुद को फिट रखना है। मैं जैसे कि मैं बीच में बोल चुकी हूँ कि जैसे कि 30 to 45 मिनट आप वॉक करते हो ना, तो आप इससे आपका वेट भी कम होता है, आपके डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और हाइपरटेंशन और सारी, बहुत सारी, माइंड भी पॉजिटिव रहता है। तो एक बेसिक आपके लाइफ स्टाइल में ऐसी चीज़, छोटी छोटी ईजी चीज़ें इंटरवेंट करें जिससे आपको हेल्प हो डेली फिट और हेल्दी रहने के लिए। और सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करिए, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिसिटी डिसीजेज हो रही हैं। वो जैसे कि आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, ओवरडोज हो रहा है, या कोई चीज़ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं दूसरे ऑर्गन को फेल कर रहा है। तो आपको जो भी लेना है तो बहुत अलर्टली मेडिकली प्रिस्क्राइब लेनी है,
अपने डॉक्टरों में भी फेथ रखिए, क्योंकि फेथ हील्स द डिसीज़। और हर बार आप सोचेंगे कि ये डॉक्टर सही नहीं है और पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, तो आपको उससे कहीं ज़्यादा महंगी दवाई खानी पड़ेगी और प्रिवेंट करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, ग्रीन वेजिटेबल के लाइफस्टाइल चेंज करिए, मेडिटेशन करिए, हेल्थ के लिए योगा करिए, तो ये आपको काफ़ी दूर तक ले जा सकती है, आपको हेल्दी कर सकती है, और देश को भी हमारे आप जैसे देश को भी हमारे हेल्दी लोगों की ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग और सशक्त बनाने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.